स्वतंत्र प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शुक्ला आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आज की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराती हूँ। आइए देखते हैं खास समाचार। बहुप्रतीक्षित गुमड़ी मार्ग पर स्थित चवई बुजुर्ग नाले पर पुल का शिलान्यास सदर विधायक पलटू राम ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार, मनीष पांडे के साथ। बलरामपुर मंडल श्री दत्तगंज बलरामपुर के बहुप्रतीक्षित गुमड़ी मार्ग पर स्थित चवई बुजुर्ग नाले पर पुल का शिलान्यास विधायक पलटू राम ने किया, जिसके बारिश के मौसम में आध्यात्मिक जल बहाव के कारण क्षेत्रवासियों के आवागमन में इस मुख्य मार्ग से आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए इस भीषण समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने अपने जनप्रतिनिधि सदर विधायक को अवगत कराया, जिसके फलस्वरूप शासन के द्वारा इस कार्य के लिए बजट आवंटित करके निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। इस सराहनीय कार्य के लिए क्षेत्रवासियों ने सदर विधायक का आभार प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में बनी है, तब से लगातार जनहित के समस्याओं को लेकर के हमारी सरकार पूरी तरह से तत्पर है कि जो जनहित की समस्या है, उस समस्या से जनता को निजात दिलाया जाए। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आदमी को समुचित मार्ग से उसके गंतव्य स्थान पर जाना है। उसका उदाहरण आप लोगों के बीच में है कि जिस तरह से हमारी सरकार आने से पहले गोंडा उतरौला मार्ग की स्थितियाँ थी, गोंडा बलरामपुर स्थितियाँ थी, बहराइच से लेकर के बलरामपुर, बलरामपुर से लेकर के तुलसीपुर बढ़नी पचपड़वा वाले रास्ते की स्थितियाँ थी, यह आप लोगों से कतई छिपा नहीं। इसी प्रकार से जो हमारे अन्य ग्रामीण मार्ग थे, चाहे वो हमारा आज जहां हम लोगों ने अभी शिलान्यास किया है, इस मार्ग की किसी कारण 1 किलोमीटर पैदल चल करके अपने गांव तक नहीं पहुंचा। हमारी सरकार ने हमारी इस समस्या को बहुत गंभीरता से लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परमवीर आदित्यनाथ जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्या जी के द्वारा हमारी जनता की आवाज़ को सरकार के तरफ पूरी सजगता से लेने का काम किया और इसका परिणाम ये निकला। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।